हजारा बिरादरी के साथियों की लाशें रोडों पे पड़ी थी, जिस तरह बेहरमती उन लाशों की हो रही थी, हम चाह रहे थे कि उस दिन फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी के हवाले से, यहाँ पे दोस्तों को एतराज था, लेकिन हम चाह रहे थे कि उस दिन भी हम कुछ हकायक जो है वो असेंबली के सामने इस ऐवान के रिकॉर्ड में ले आए। जब हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ हकायक ऐवान में लाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ उस दिन कोरम की निशानदेही करके उस बात को अधूरा छोड़ा गया। जनाबे वाला, आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं। जनाबे वाला, ये सिलसिला, ये लाशों की बेहरमती का सिलसिला, ये 2006 में जब नवाब अकबर खान बुख्शी जैसी हस्ती, जो इस ऐवान के कायदे ऐवान भी रह चुके हैं, जो इस फेडरेशन रियासत पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, जो यहाँ के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनकी लाश के साथ जो बेहरमती की गई, उनकी ताबूत पे जिस तरह ताले लगा दिए गए, जनाबे वाला उसी पे ये सिलसिला तमा नहीं। आज जो हमारी बहन बानु करीमा की लाश को, उसकी मैयत को जिस तरह वहां से लाया गया, फिर जिस तरह आज सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी चीज को लोगों से छुपा नहीं सकते जनाब स्पीकर, तो ये बदनामी, ये कालक अपने मुंह पे मलने की जरूरत क्या थी? आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जैसे उसकी मैयत को वहां से लेकर आ रहे हैं, तमाम रास्ते पे कर्फ्यू लगा के उसको वहां से गुजारा गया, जनाजे पे शिरकत करने के लिए लोगों को रोका गया, सड़कों पे एफसी के जवान वो खड़े थे, लोगों ने उनकी वीडियोस बनाई है, वो साफ अल्फाज में लोगों को ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आपने जनाजे पे शिरकत नहीं करना, इसकी इजाजत है नहीं आपको। जनाब वाला, तुम के जनाजे में आपने लोगों को शिरकत करने से रोक दिया, लेकिन उसके असरात उसका नतीजा ये निकला कि तुम पे जो जनाजा होना था, उस जनाजे को आपने रोक दिया, पूरा पाकिस्तान आज जनाजागाह बन गया। लाहौर में आज बानु करीमा के जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं, कोयटे में पढ़ाए जा रहे हैं, खुजदार में पढ़ाए जा रहे हैं, कराची में गायबाना नमाज जनाजा हो रहा है, पूरा पाकिस्तान को आपने जनाजागाह बना दिया। उसमें हासिल आपने क्या किया सिवाय बदनामी के? उसमें हासिल क्या किया आपने सिवाय अपनी बदनामी और तजलील के? आपने इस रियासत को, जिन लोगों ने भी ये मशवरा इनको दिया, मैं ये समझता हूं कि वो रियासत के खैरख्वाह नहीं है, वो अपनी जाती मुफादात के लिए रियासत और रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके उनको गलत मशवरे देके वो ऐसे काम कराते हैं जिससे रियासत के खिलाफ नफरत जन्म लेता है, और उस नफरत को बुनियाद बनाकर ये लोग अपनी जाती मुफादात को कैश करते हैं। जनाबे वाला, इससे पहले उस दिन मैं जनाबे वाला इसी पे बात कर रहा था, मुझे साथियों ने नहीं छोड़ा, कोरम की निशानदेही हुई।